हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम के चैनल ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तड़के वाली दाल और चावल। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आइए बनाते हैं तड़के वाली दाल। तो देखिए गाइस, हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, और ये हमने ये दाल ली है, ये अरहर की दाल है, एक कटोरी दाल हमने ये धो के रखी हुई है, और हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर और तड़का लगाने के लिए घी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम दाल कुकर में उबलने के लिए रख दे रहे हैं। इसमें दाल डाल देंगे और ये देखिए, इसमें दाल डाल दी है और इसमें हम पानी डाल देंगे। ये हमने एक कटोरी दाल ली है और इसमें लगभग हम 3 कटोरी पानी डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच नमक। और हम इसे फिर गैस पे उबलने के लिए रख देंगे और लगभग इसमें 4-5 सीटी हम लगाएंगे। तो ये देखिए, दाल हमने पकने रख दी है और फ्राई पैन में ये चावल के लिए पानी रख दिया है। तो ये अब हमारा पानी गर्म हो रहा है और कुकर में दाल हमने उबलने के लिए रख दी है। देखिए गाइस, ये हमारे चावल इसमें पक रहे हैं और हम इस तरह से ये हाथ में लेके एक चावल ऐसे दबा के देखेंगे। अब ये चावल हमारा गल गया है, ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन्हें छान लेंगे। ये हमने चलनी रख ली है कटोरी पे, ये इस तरह से इन्हें छान देंगे तो इसका माट निकल जाएगा। इससे चावल का फैट भी कम हो जाता है और सही रहता है चावल माट के बनाना। ये देखिए, माट निकल गया चावल का। अब ये चावल भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमारे चावल तो तैयार हो गए हैं, इन्हें हम साइड में रख देते हैं। अभी हमारे कुकर की अब हम देख लेते हैं दाल बन गई नहीं बन गई अभी, और फिर उसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए, दाल हमारी तैयार है, अब हमें तड़का तैयार। ये एक कढ़ाई लेंगे हम, इसे गैस पर रख लेते हैं और गैस ऑन करते हैं। अब ये थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो तो हम इसमें तड़का तैयार करेंगे। ये हमने टमाटर छोटे छोटे काट के रख लिए हैं और ये हमारी कढ़ाई अभी गर्म हो रही है। तो गाइस देखिए, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम ये 1 चम्मच घी डाल देंगे और अब ये घी गर्म हो रहा है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। ये देखिए, जीरा इसमें भून रहा है। अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इन्हें गलने तक पकाएंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। नमक उतना ही डालेंगे जितना टमाटरों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि दाल में हमने पहले ही नमक डाल दिया था। अभी इस तरह चलाते रहेंगे जिससे ये गल जाएंगे अभी जल्दी से।
ये टमाटर हमारे इसमें पक रहे हैं। ये देखिए ये टमाटर हम इस तरह काट के देख लेंगे, ये गलने लगे हैं, थोड़ा सा और चलाएंगे फिर हम इसमें अपनी दाल फ्राई करेंगे। ये टमाटर हमारे पक गए हैं, इसमें हम दाल डालेंगे। थोड़ा गैस हल्की करके ही डालेंगे, नहीं तो दाल की छींटे आएंगी। कढ़ाई में हम कुकर में फिर सारी दाल इसमें डाल देंगे। देखिए ये दाल हमारी ये पक रही है, अब इसमें ऊपर से हम धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारी दाल तैयार है। अब हम दाल को सर्व करेंगे और तो हम अपनी दाल को सर्व करते हैं इस तरह से। ये दाल हमारी सर्व हो गई है। और ये हमारे चावल भी रेडी हैं, इन्हें भी सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चावल हम इसमें सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम इस पर धनिया डाल देंगे। और हमने ये तड़का बना के रखा हुआ है, ये हम दाल में सर्व करेंगे। इससे दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको तड़के की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं बनाकर आपको बताऊंगी। तो ये हमारी दाल और दाल तड़का और राइस तैयार हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।